हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलविया की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, और आप सबकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, आज मैं दिन में बना रही हूँ चिकन बिरयानी, क्योंकि अम्मी को मेरे हाथ के बिरयानी खाने का बहुत मन था, तो मैं आज वही बना रही हूँ। तो दिन खाना खाने के बाद, यानी बिरयानी खाने के बाद, उसके बाद मैं और मेरा बड़ा बेटा अनीक हुसैन, हम दोनों निकल गए हैं और जा रहे हैं स्मार्ट पॉइंट किलवाही, जो मलमल के लोग पहचानी जाएंगे कि कहाँ मैं जा रही हूँ, क्योंकि अनीक के कुछ खाने पीने का सामान लेना है। और फिर अनीक को मुझे डॉक्टर रिहान से, होम्योपैथिक वाले डॉक्टर से, मुझे इसको दिखलवाना भी है। इसके पैर में थोड़ा छोटा सा ज़ख़म हो गया है, जो इसको चलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, दुख रहा है वो जख्म। तो मैं और मेरा बेटा स्मार्ट पॉइंट पहुंच गए हैं, और अनीक हुसैन आते साथ सबसे पहले लेज का पैकेट उठाया है। ये कहीं भी जाता है तो मदद को होता है सब कुछ ले ले। टॉयज़ वाले सेक्शन में जाओ तो टॉयज़, पूरा टॉयज़ लेने का मन करेगा, और यहाँ आए हैं तो इसको हो रहा सब कुछ ले लूँ। तो मुझे जो जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब मुझे लेना था, तो वो सब मैं ले रही थी। और इसको देखिए, मुझे वहाँ से हटा करके ट्रॉली के पास से खुद चला रहा है, और जो उसके हाथ में आ रहा है बस वो लिए जा रहा है और बास्केट में, ट्रॉली में डाले जा रहा है। और फिर मैं आ गई अनीक को डॉक्टर के पास, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आई हूँ दिखाने के लिए। इसको पैर में छोटा सा ज़ख़म टाइप का हो गया है, तो उसी का मुझे दवा लेना था इसके लिए। तो स्मार्ट पॉइंट से मैं ली हूँ ये अपने घर के लिए डब्बा, दरभंगा वाले घर के लिए पास सेट का ये डब्बा है। तो ये डब्बा ली, मुझे बहुत ज़रूरी था इसका, कुछ आटा या कुछ भी मतलब रखने के लिए। और ये कॉफ़ी मग है, ये ली हूँ मैं अपने लिए, और एक डब्बा ली हूँ हस्बैंड के लिए, कुछ भी अपने लंच में बनाऊँगी तो कुछ भी देने के लिए, शीशे का है ये। और एक ये है गिलास, मतलब चम्मच वगैरह रखने का, मेरे पास था तो लेकिन बहुत पुराना हो चुका था। और फिर ये अनीक के लिए, मैं कब से सोच रही थी कि ड्राइंग करने वाला कॉपी वो, और क्या बोलते, पेंसिल कलर, पेस्टल कलर, ये सब मुझे लेना था। तो ये मुझे स्मार्ट पॉइंट मिल गया, तो ये मैं ली हूँ अनीक के लिए, और अब देखते हैं कब तक ये सब टिकता है अनीक के सामने। तो ये था मेरा व्लॉग, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।